बिल्डर की हत्या के आरोप में नपा मनसे का पूर्व जिलाध्यक्ष। बिल्डर हत्या में शामिल एक पुलिसकर्मी को भी मिली सजा। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 3 नवंबर 2015 को हुई थी बिल्डर किशोर खत्री की हत्या, जिसमें शामिल आरोपी रणजीत सिंह चुंगले और जसबीर सिंह उर्फ जस्सी समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2015 के हत्याकांड के इस मामले में अकोला कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सबूत के अभाव में 2 आरोपियों को रिहा कर दिया, जबकि रणजीत सिंह चुंगले और जसबीर सिंह जस्सी को हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता उज्जवल निकम ने इसे न्याय की एक बड़ी जीत बताया। महाराष्ट्रातील एका राजकीय पक्षाच्या माजी अध्यक्षाला अकोला येथील रणजीत चुंबळे आणि पोलीस कॉन्स्टेबल जसवंत सिंग यांनी संगनमत कट करून 3 नोव्हेंबर 2015 रोजी अकोला येथील व्यापारी किशोर खत्री यांचा निग्रुण खून केल्याबाबत आरोपींनी त्यांना खुनाच्या व कटाच्या आरोपाबद्दल दुहेरी जन्मठेप ठोठावलेली आहे। या खटल्याचं वैशिष्ट्य असं की हा आरोपी रणजीत चुंबळे याने यापूर्वी देखील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावरती खुनी हल्ला केला होता, त्याला 8 वर्षाची शिक्षा न्यायालयात झालेली होती आणि ही शिक्षा भोगत असताना त्याच्यावरती पॅरोलवरती असतानाच त्याने हा निग्रुण खून केला होता। याबद्दल सरकारने 2 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व परिस्थितीजन्य पुराव्याची साखळी न्यायालयात उभी केली। अकोला येथील पोलीस कॉन्स्टेबल जसवंत सिंग याने देखील रणजीत सिंग चुंगळे याला मदत केली, त्याच्या कटात सामील झाला, म्हणून दोघेही आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावून दोघांना 25,000 रुपयाचा दंड ठोठावला। या दंडापैकी 40,000 रुपये न्यायालयाने रणजीत चुंगळे यांच्या किशोर खत्री यांच्या पत्नीला द्यावे असा देखील आदेश दिलेला आहे। बिल्डर किशोर खत्री हत्याकांड में गिरफ्तार रणजीत सिंह चुंगले उस दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जिला अध्यक्ष था, जबकि जसबीर सिंह जस्सी महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत था। बताया ये भी जा रहा है कि रणजीत सिंह चुंगले पहले ही एक आईपीएस अधिकारी पर गोली चलाने के जुर्म में जेल में कैद था और उस दौरान वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। सूत्रों की यदि माने तो रणजीत सिंह चुंगले और मृतक बिल्डर किशोर खत्री के बीच एक मॉल की खरीदारी में आपसी लेन देन को लेकर विवाद था और इसी कारण 3 नवंबर 2015 को अकोला जिले के आकुरी गांव में किशोर खत्री को गोलियों से भून दिया गया और धारदार हथियार से गला रेत कर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। फिलहाल मृतक बिल्डर किशोर खत्री के भाई दिलीप खत्री कोर्ट के फैसले से पूरी तरह संतुष्ट हैं। निकम साहब की नियुक्ति होने के बाद मुझे उम्मीद थी कि न्याय निकम साहब हमें न्याय दिलाएंगे और आज उस निकम साहब की मेहनत और जो भी यानी कोर्ट का निर्णय आया इससे मैं समाधान हूँ और निगम साहब की मेहनत से समाधान। कहते हैं गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो वो कानून के दायरे से बच नहीं सकता और व्यक्ति कोई भी हो वो कानून व्यवस्था से बढ़कर नहीं हो सकता। इसी तरह बिल्डर के हत्यारों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, जिससे हम कह सकते हैं कि इंसाफ करने वाली न्यायपालिका के यहाँ भले ही देर है अंधेर नहीं। अकबर खान, इन 24 न्यूज, अकोला।